मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और अभी तक का न्यूज़ ऐसा है कि कोविड-19 पे लगातार रिसर्च चल रहा है और लोगों का ये मानना था कि गर्मी के मौसम आने के बाद कोविड-19 का जो असर है वो कम हो जाएगा। तो ये देखने की बात है कि महामारी जो फैली वो सबसे ज़्यादा जहाँ पे ठंडा था वहाँ पे सबसे ज़्यादा महामारी फैली। तो इससे लोगों के अंदर अनुमान हो गया कि जब गर्मी का मौसम आएगा तो इसका असर कम हो जाएगा। लेकिन रिसर्च करने वालों का कहना है कि मौसम के भरोसे मत बैठिए, ठीक है, क्योंकि अभी तक पूरी जानकारी नहीं आई है और इस वायरस का मौसम के अनुसार किस मौसम में कितना प्रभाव करेगा, गर्मी में कम हो जाएगा या जाड़ा में ज़्यादा रहता है, ऐसा अभी क्लियर कट कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब तक ये रिसर्च पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है ये कहना बहुत मुश्किल है कि गर्मी के दौरान और गर्मी के मौसम में ये कम असर करेगा। लेकिन थोड़ा सा ये तो पता चलता है कि जो इलाका ठंडा था वहाँ पे इसका असर ज़्यादा देखा गया है। एक खबर आई यूपी के मेरठ से। यूपी के मुसलमान इलाके में जब पुलिस गई तो वहाँ के लोगों ने उनके ऊपर फूल डालना शुरू कर दिया। तो लोगों से वजह पूछा गया कि ऐसी स्वागत क्यों। वजह पूछने से पता चला कि वहाँ के लोगों ने ये बताया कि देखिए इतना महामारी है और हर कोई डर रहा है कोरोना वायरस से, इस दौरान भी पुलिस वाले आते हैं, जिसके घर में खाना नहीं है वहाँ खाना दे रहे हैं और जिसको और किसी चीज़ की ज़रूरत है वो भी उनको पहुँचा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ऐसी स्वागत उनकी की। तो ये जो घटना थी ये एक मेरठ के एक गांव से थी। बात ये है कि देखिए हमेशा बात ये आता है कि कभी पुलिस सख्त हो जाती है कभी नर्म हो जाती है, तो हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, पुलिस वालों की परेशानी बहुत होती है। जब हम लोग भी फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं किसी किसी को 15 घंटा 16 घंटा 17-17 घंटे तक ड्यूटी कर रहे हैं। आप सोचिए अगर 3-4 दिन आपको ऐसा करना पड़े आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा हमको दूसरे की भी प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए, शायद अगर हम सभी मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वक्त दिन के 12:30 हुए हैं और अभी तक का जो वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस के केसेस का अपडेट है वो देता चलूँ आपको, तो तकरीबन 12,74,853 हो चुका है। टोटल जो डेथ हुए हैं वो 69,488 है। जो रिकवरी हुई है वो है 2,64,844। अगर US की बात करें तो US का नंबर 3,36,830 हो चुका है और टोटल नंबर ऑफ डेथ 9,618। स्पेन की अगर बात करते हैं तो 1,31,664, टोटल डेथ 12,641। इटली की अगर बात करें तो 1,28,948 एंड टोटल डेथ 15,887। जर्मनी 1,123 एंड टोटल डेथ 1,584। अगर भारत की बात करते हैं तो यहाँ भी नंबर बहुत ज़्यादा हो गया, टोटल नंबर आप देखेंगे तो 4,361 हो चुका है। एक्टिव केस जो हैं जो अभी तक जो बीमार लोग हैं वो 3,911 है, जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या 328 है और टोटल डेथ अभी तक 122। सबसे ज़्यादा केसेस जो आए हैं वो महाराष्ट्र से आए हैं, टोटल नंबर ऑफ केस 781 है, तमिलनाडु का 571 है, दिल्ली 503, तेलंगाना 334, केरला 314 एंड उत्तर प्रदेश 278, राजस्थान 274, आंध्र प्रदेश 266, मध्य प्रदेश 193 और कर्नाटका 151। अगर हम कर्नाटका के डिटेल थोड़ी बात कर ले तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बेंगलोर की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है, 53 है, मैसूर 28 पर है, दक्षिण कन्नड़ 10, चिकबलापुर 10 और बीदर 10। तो ये कहना का ये दिखाने से एक चीज़ है कि भाई अभी हम लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना है क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो है 4,000 से ऊपर जा चुका है और अब जब नंबर ज़्यादा होते तो इसका मल्टीप्लाई होना भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो इस वक्त
जितना कम हम लोगों से मिले जुले, जितना कम हम बाहर जाएं, ज़रूरत पड़ने पे भी बाहर जाएं, तो उतना अच्छा होगा। आप अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, और जिसको खाने खिलाने की ज़रूरत पड़ती है अपने अगल बगल में ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत जगह से रिपोर्ट आ रही है लोगों को खाने की कमी है। तो दूर देखने से पहले मेरी अपनी राय, अपना एक सजेशन है कि अपने अगल बगल के लोगों को में तहकीकात करें, किसी को खाने की ज़रूरत है तो वहाँ तक खाना पहुँचाइए। एक और ज़रूरी आपसे बात यह है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।